ना कुछ तस्वीरें भी साथ ही साथ देखिए हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उसके बाद जोरदार तैयारी उनके स्वागत की रही, हमने वो तस्वीरें भी देखी। खासतौर पर भारतीय मूल के जो लोग हैं बेहद उत्साहित हैं अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर, क्योंकि उनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अब भारत की रूपरेखा बदली है, यानी भारत के लिए जो पहले लोगों की मानसिकता थी अब वो बदली है, अब वो चेंज हुई है और वो बहुत गर्व महसूस करने लग गए हैं। ये स्थानीय लोग यानी जो मूल निवासी है वहां, अभी भारतीय मूल के जो वहां लोग रह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे मिलते जुलते हुए, बच्चों से बात करते हुए, अब से थोड़ी देर में कई कार्यक्रम है। अंजना जरा सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और ये किन किन लिहाज में बहुत महत्वपूर्ण दौरा। तीन चार बड़ी बातें देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, फिर सबसे पहले उनका गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम है, जो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, एक बार नजारा दिखाइए पूरा, हम आपको बर्लिन में इस अडॉल्फ होटल के सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरे इलाके में किए गए हैं। पूरे इलाके को देखिए चारों तरफ से अगर हम दिखा दें आपको किस तरह से, यही वो स्क्वायर है जिसे कहा जाता है ब्रांडनबर्ग गेट, और उसके सामने का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पुलिस के कैसे इंतजाम है, लगातार पुलिस सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रही है, चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया था। अब हम आपको बताते हैं गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम सबसे पहले होगा, उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स के साथ उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद से इंडियन डायस्पोरा के साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली है, एक राउंड टेबल, उससे पहले माफ कीजिएगा 4:30 बजे बिजनेस राउंड टेबल होना है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स के लोग, जो बिजनेस हॉन्कोस हैं उन सब के साथ दोनों की होगी। एक प्रेस ब्रीफिंग उससे पहले लगभग 3:30 बजे जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स से मुलाकात के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग 3:30 बजे के लिए शेड्यूल की गई है। ये सब मैं आपको बर्लिन टाइम के हिसाब से बता रही हूं, और उसके बाद से फिर यहां पर राउंड टेबल बिजनेसमैन के साथ होगा, और फिर इंडियन डायस्पोरा के साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, वहां पर भी बहुत सारे कल्चरल चीजें, इवेंट्स होने की तैयारी की गई है। तो ये आज उनका पूरा कार्यक्रम है। लेकिन जो आपने रिश्तों की बात की, देखिए अर्पिता, ये रूस और यूक्रेन की जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप का दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी तटस्थ और न्यूट्रल स्थिति को कायम रखा है, भारत ने अमेरिका को भी साफ कर दिया, भारत ने यह तय किया कि भारत राष्ट्र हित में अगर तेल खरीदने की जरूरत है तो खरीदेगा, हमारे रक्षा सौदे बहुत सारे रूस के साथ है 80% के आसपास, तो ऐसे में हम ये रिश्ता पूरी तरह से सिवियर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते राष्ट्रहित, लेकिन इसी के साथ अमेरिका से जो हमारे रिश्ते हैं उसकी मजबूती के लिए भी हम काम करने को तैयार हैं। ठीक वही संदेश प्रधानमंत्री ने यहां के लिए निकलने से पहले जो अपनी वेबसाइट पर जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें उन्होंने जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए थे, यूरोप इज फेसिंग चैलेंजेस एंड चॉइसेस, यानी चुनौतियां भी और उसके सामने विकल्प भी हैं, उसे अपनी आगे की नीति तय करनी है, इसीलिए यह दौरा उन्होंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ये तमाम देश जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें प्रधानमंत्री डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, और ये तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, रूस के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत कैसे अपने रिश्तों को यूरोपीय देशों के साथ भी अच्छा रखे और जो उसकी रूस को लेकर नीति है उस पर भी तटस्थ रहे, इन सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण लकीर खींचते हुए प्रधानमंत्री का यह दौरा तय करेगा कि जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो भारत रूस यूक्रेन की जंग के बीच अपने रिश्तों को यूरोप, अमेरिका सबके साथ कैसे कायम भी रखता है, लेकिन इसी के साथ रूस यूक्रेन की जंग में तटस्थ भी रहता है। बिल्कुल, तो जहां एक तरफ जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना और किस तरीके से अपने वहां रूस के लिए भी उनके साथ, उनकी रूस के साथ जो इक्वेशन है वो भी बनी रहे और यूरोपीय देशों के साथ भी बनी रहे, साथ ही साथ चीन को लेकर भी चिंताएं यहां पर बनी हुई हैं, उस पर भी हो सकता है जाहिर तौर पर चर्चा हो।